किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये छोटा वाला आलू है, इसका आज बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे। तो इसको डालिए और इसमें पानी है और इसको अच्छे से पूरा पकने तक उबाल लीजिए। ये है मसाला पिसा हुआ, इसमें है जीरा, मरीच, लहसुन, धनिया, सूखी लाल मिर्ची और एक छोटा सा प्याज। इस तरह से मसाला ये पिसा हुआ है, ये इतना नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। और ताज़ा हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर सबको काट लीजिए। अच्छे से पक गया है, फ्लेम को ऑफ कर लीजिए और इसको छील लीजिए। अब इसमें ये उबला हुआ आलू डालिए और इसको अच्छे से फ्राई कीजिए। तेल को पूरा अच्छे से गरम कर लीजिए। अब ये आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको निकाल लीजिए। अब इसमें डालिए थोड़ा सा ये है पचफोरन, एक तेज पत्ता, दो सूखी लाल मिर्ची, ये एक चुटकी हींग और इसी में ये कटा हुआ प्याज डालिए। अब ये टमाटर, धनिया की पत्ती और हरी मिर्च को पीस लीजिए। अब इसमें डालिए ये पिसा हुआ मसाला दो चम्मच। अब इसमें डालिए हल्दी पाउडर थोड़ा सा, ये कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी। डालिए सब्जी के हिसाब से नमक और इस मसाला को अच्छे से फ्राई कीजिए। डाल देंगे टमाटर और धनिया की पत्ती। और इसी समय डालिए ये एक चम्मच, ये बड़ा चम्मच है, एक चम्मच दही। अब इसको अच्छे से फ्राई कीजिए। अब इसमें चाहे तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं इस तरह से चीर के। अब इसमें डालिए ये फ्राई किया हुआ आलू। अब सबको मिला के फ्राई कीजिए। अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, आप इसको ऐसे भी चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको ढक के थोड़ा सा पकाइए।
अब ये बहुत ही टेस्टी छोटे छोटे आलूओं का सब्जी बनके तैयार है गाइस। इस तरह से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अभी आपको मार्केट में छोटा छोटा आलू मिल जाएगा। अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। बर्तन में या लोहा के बर्तन में जब भी कुछ बनाइए तो उसको फ्लेम ऑफ करने के बाद तुरंत ही खाली कर लीजिए।